कीमती समय निकाला और यहाँ पे आज रूबरू हुए हमसे जुड़े। मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ आपकी आज प्रेस के माध्यम से। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जेएंडके, जम्मू कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ICDS प्रोजेक्ट के दौरान 34,248 मोबाइल परचेज कर रही है 8900, और टोटल ये सभी मोबाइल्स की कीमत है 30 करोड़। सभी मोबाइल की जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, उनकी सबकी कीमत है 30 करोड़, जिसमें 12 कंपनियों ने अप्लाई किया था इस टेंडर के लिए। 12 बिट्स कंपनियों ने अप्लाई करे थे, जिसमें से 9 कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया गया और 3 ही कंपनियां सक्सेसफुल हुई। टारगस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड देन सेकंड इज इनग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड देन थर्ड इज विजन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ना ये है कि 9 कंपनियां जो बाहर कर दी गई है वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स से, उन्होंने सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? मेरा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यही जानकारी देना चाहता हूं और गवर्नर महोदय साहब ऑनरेबल गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से विनती करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि इस सारी इंक्वायरी की एक कमेटी बनाई जाए ताकि जांच की जाए, इस पे एक इंक्वायरी उठाई जाए और जांच की जाए और वहां के सामने एक क्लीन चिट किया जाए। मेरा नाम राहुल टंडन है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी कुछ इस प्रकार से है, जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर माध्यम से मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल टंडन है। मैं आपको अपने प्रेस के माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी कुछ इस प्रकार से है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जेएंडके ICDS प्रोजेक्ट्स के दौरान मोबाइल परचेज कर रही है, जिसकी मोबाइलों की संख्या 34,248 है और जिसमें पर मोबाइल की कीमत, जो एक मोबाइल की कीमत 8900 है और टोटल जो मोबाइल परचेज कर रही है वो 30 करोड़ के जम्मू कश्मीर के लिए मोबाइल लिए जा रहे हैं ICDS प्रोजेक्ट के दौरान। और इसमें 12 कंपनियों ने, 12 बिट्स ने अप्लाई किया था टेंडर के लिए, जिसमें से 9 बाहर कर दी गई है और 3 सक्सेसफुल हुई है। और जो 3 सक्सेसफुल हुई है उनके नाम कुछ इस दौरान है, टारगेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड देन सेकंड इज इनग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड थर्ड इज विजन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम मेरा यही था कि बड़ी चुकाने वाली बात यह है, जो 3 कंपनियां सक्सेसफुल हुई है और तीनों ने ही सैमसंग का मोबाइल कोड किया है, और जो 9 कंपनियां थी उन्होंने भी इंटरनेशनल मोबाइल कोड किए थे। और मुझे कहीं ना कहीं शक का दायरा आने के बावजूद मुझे ये जानकारी मिली और जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई इस पर मैं गवर्नर मोदी जी को अपील करना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि इस पर एक कमेटी बिठाई जाए और इस पर जाँच की जाए कि वाकई ही जो टेंडर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉलो किए गए हैं। कई ऑफिसर्स की मुझे इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट्स लग रही है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से इसकी जानकारी दी जाए, पब्लिक का पैसा है, 30 करोड़ का मसला है और जान पब्लिक को क्लीन चिट दिया जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।